वो आप लोगों को कल सुबह ही मार्केट में प्रोवाइड होंगे क्योंकि हम हम देखते हैं कि यहाँ पर गैप गैप अप या डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग ट्रेड नहीं ले पाते हैं तो उसके बदले ही हम लोग आप लोगों को क्या करने वाले हैं हम लोग आप लोगों तो लोगो को लाइव मार्केट में सपोर्ट देने वाले हैं तो अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए गाइस तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट्स टारगेट प्रोवाइड होंगे बी टी कॉल्स प्रोवाइड होंगी चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करा जाएगा ए टू जेड यहाँ पर आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का अकाउंट है एट द रेट फर्स्ट अंडर स्कोर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप लोगों को पूरा लर्निंग कंसेप्ट समझाया जाता है, अभी जो एक चल रही है। उस पर हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोग स्टडी हैं गाइस फ्लैग एंड पोल का पैटर्न और ये हमारा देखने को आपको लगेगा कि इस तरीके का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है यहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग गाइज हमें फीडबैक भी दे सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं सो तो गाइज यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी जो कंटिन्यू सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग को सीखने को मिलेगा सो तो गाइज हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सबसे पहले बढ़ते हैं कि आज हमने टेलीग्राम चैनल पर क्या क्या दिख रहा और हम लोगों ने कौन से ट्रेड्स लिए सो उसकी तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर हम लोगों ने आप देख सकते हैं अराउंड थर्टी नाइन हंड्रेड मेम्बर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पर सुबह आप लोगों को हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताई थी और बोला था कि यहाँ पर ये यह ट्रेडिंग रेंज रह सकती है और उसके बाद हमने आपको एंड सु बाय करने की सलाह दी थी अराउंड नाइन्टी टू पॉइंट फाइव के आसपास सलाह दी थी बाय करने की नाइनटी सिक्स का टारगेट था बस गाइड नाइन्टी फाइव तक गया था और वहीं पर ही शायद इसने क्लोजिंग भी दिया है

स्क्रीनशॉट भेजा था बैंक निफ्टी का रिवर्सल का एग्जैक्ट इस रिवर्सल पे अभी जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 19,360 पे 19,360 पे ट्रेड कर रहा था और उसके 20-25 मिनट बाद ये हमने देखा कि वहां से वो गिर के नाइनटीन के लेवल्स पे आ गया था यानी कि वहां से तीन पॉइंट के हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिल गई थी उसके बाद गई आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोवाइड कराई थी 18,800 की पुट ऑप्शन बाय करवाई है यहाँ पर फोर्थ जून की बी टी एस टी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहीं पर ही आप लोगों को कॉल्स भी प्रोवाइड हो जाती हैं गाइस लोग पर आप देख सकते हैं सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड हो सकती हैं सो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने अगर, अगर आपको बताता हूँ क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड कराया तो आपको वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं कि हमने अपने क्लाइंट्स को क्या क्या प्रोवाइड कराया है जी गाइस यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप ऑन करता हूँ और अगर व्हाट्सएप अभी ऑन हो जाता है तो मैं लोगों को बता देता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने आज अपनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की सेलिंग करी आज हमने ऑप्शन सेलिंग्स करी है और ऑप्शन सेलिंग के थ्रू भी हमने बहुत पैसा कमाया है उसके बाद गाइज़ हम लोगों ने और भी कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स लिए उस पर भी हमने कमाया सो तो गाइज़ हमारी जो आज की ट्रेडिंग सेटअप गई थी वो बहुत अच्छी गई थी और अगर हम बात करें शायद ये अभी नहीं जब तक खुलता है तब तक हम आगे ध्यान देते हैं या गाइस ये अभी नहीं खुला ये दूसरा हमारा है अब गाइस एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ ये हमारा है यूट्यूब का पे चैनल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे को जी एंटरटेनमेंट बाय करने की सलाह दी थी और आपको चार्ट में बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और वो 185 तक के लेवल तक जा सकता है क्योंकि एक राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है और गाइस जब मैंने आप लोगों को बताया था मैंने ये बात आप लोगों को जरूर बोली थी कि गाइस हो सकता है कि शायद वो कल ट्रेड ना कर पाए परसों ट्रेड ना कर पाए बट ये पैटर्न बना है तो यानी कि उसका टारगेट आएगा आज नहीं आएगा कल नहीं आएगा परसों तक आ जाएगा और गाइस आप देख सकते हैं इसने 10 का रिटर्न आज दे दिया था उसके बाद HDFC, AMC, आप लोगों को बोला था बाय करने की सलाह उसमें भी पांच परसेंट का रिटर्न मिला मारुति में आप लोगों को गाइस फिफ्टी टू हंड्रेड से बोल रहा हूँ इस वीडियो को जाके देखिए इसमें आपको जो मैंने चार्ट्स एक्सप्लेन करें जाके देखिए फिफ्टी फाइव हंड्रेड का टारगेट आज आने वाला था महिंद्र एंड महिंद्रदा आप देख सकते हैं गाइस ए सी सी देखिए आप लोगों को गाइस इस वीडियो में एट्टी थ्री रुपीज से बाय करने की सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को मैंने एट्टी फाइव का कॉल ऑप्शन भी बाय करने की सलाह दी थी दो रुपए में और जिसका हाई आज हमने देखा कि साढ़े सात आठ रुपए का था और पांच हजार का लॉट साइज था यानी कि बीस पच्चीस हजार आप उसमें भी कमा सकते थे इंडिको का मैंने एक स्विंग ट्रेड शेयर कर रहा था बोला था कि 930 पे है बाईस बाय कर लो बाय कर लो आप लोगों को बहुत बढ़िया टारगेट मिलेंगे 980 का टारगेट तो आज के आज ही आ गया था जान ली पचास रुपए की मूवमेंट इसने छ दिन के अंदर अंदर दे दिया है तो क्या ये चैनल के थ्रू ही हम आप लोगों को लाइव सपोर्ट देते हैं हम आप लोगों को एक्सपर्ट चार्ट के थ्रू आप लोगों को बताते हैं प्रोफेशनल चार्ट के थ्रू बताते हैं शायद इसमें कल इंट्रा में टारगेट हिट ना हो बट अगर आप इसे बी या स्विंग ट्रेड के पर्पज से लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको ये फायदा देकर जाएगा गाइस हम ज्यादा तो देर नहीं करते हम अपने चार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, बनाया है।, ये एक है। और एक अब गाइज आपको मैंने कल अपनी वीडियो बताया था ये देख रहे हैं ये जो ऑरेंज कलर का आप पैटर्न देख रहे हैं ये सिमेट्रिकल ट्राइंगर पैटर्न था ये एक ट्राइंगुलर पैटर्न बना था मैंने आपको बोला था इसकी जो ये रेंज आ रही है इसका यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया था हमने बोला था ये जो रेंज है ना एग्जैक्ट ये रेंज उतना ही रेंज का ये टारगेट होगा तो ये रेंज गाइज अराउंड थी थ्री तो यहाँ पर जब मैंने रेंज निकाली थी आपको बोला था कि नाइनटी फाइव हंड्रेड तक ये जा सकता है सो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट टारगेट हिट होते हुए हमें देखने को मिला था यहाँ पे भी अब गाइस यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आ चुकी है दो दिन के अंदर अंदर हम देख रहे पांच छह परसेंट निफ्टी भाग चुका है और बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा भाग चुका है अब एक्सपायरी खत्म हो चुकी है तो शायद हो सकता है कि इसके नीचे होल्ड करें इसलिए कर हो इस अराउंड आ रहा है नाइन फोर फोर जीरो के नीचे अगर ये निकलता है तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा गाइज नाइन थ्री सेवन जीरो का सो ये जो भी पर्टिकुलर लेवल्स हैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे जाके ज्वाइन हुई है

तो so, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर पर गैप गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहा है सो so, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 18,500 का लेवल है जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद वो ब्रेक करने के अभी में है अब गाइज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और हम देखते हैं कि स्टॉक्स में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है आप देख सकते हैं कि मैंने पी भी आप लोगों को पहले बता रखा था यहाँ पर मैं आप लोगों को पी दिखाता हूँ एक सेकेंड आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ

ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हम देख रहे थे इसके नीचे वाली कैंडल बनी एक दिन अगले दिन भी उसके अंदर ही ट्रेड करा तीसरे दिन भी उसके अंदर ट्रेड करा यानी कि एक इनसाइड कैंडल अब हम क्या देख रहे हैं अब हम, हम देख रहे हैं कि आज के दिन उसने इस पर्टिकुलर कैंडल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया अगर मैं इस कैंडल का हाई की बात करता हूँ जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो था अराउंड एट का लेवल और उसके ऊपर ये कामयाब हो गया क्लोजिंग देने में तो यानी कि अब यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है और ये मुझे लगता है कि इस लेवल तक या इस लेवल तक

सो so अभी एक चीज चीज क्या बता रही है ये मुझे बता रही है कि अगर ये इस लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है यानी कि अगर ये के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से जो इसके पर्टिकुलर टारगेट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं वो ये पूरी रेंज है ना ये जो आप हैंडल देख रहे हैं ये जो हैंडल की रेंज होती है एग्जैक्ट उतना टारगेट होता है तो यानी कि मैं पाँच सौ रुपए तक का भी इसका टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ जो महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखा सकता है सो भी आपको क्लियरली वॉच करके चलना है

हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है दो दिन में हम देख रहे थे मार्केट ऊपर थी पर हम देख रहे थे आई सेक्टर वीक थे बट हमने देखा कि आई सेक्टर में थोड़ी सी रिकवरी दोबारा स्टार्ट आना हो शुरू हो गई है अगर कल ये यह यहाँ से रिवर्स करता है तो हमारे लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है बट अगर ये यह यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा जो ये रिजेक्शन कैंडल आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रॉग रेजिस्टेंस है तो ये यहाँ तक जा सकता है सो इसे हम क्लियरली कल वॉच करेंगे अगर ब्रेकआउट देते हैं तो आप लोगों को लाइव मार्केट में मैं टारगेट्स और लॉस बता दूंगा आप ट्रेड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू

तब हमें एक सेल नहीं लेना है हमें सेल क्यों नहीं लेना है हो सकता है ये फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है अगर जब तक इसके नीचे दूसरी कैंडल क्लोज नहीं करती और बॉडी क्लोज नहीं करती है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे हमने देखा इस इसके नीचे किसी भी कैंडल ने भी क्लोज नहीं करा और दोबारा एक अब वूव आ गई है हो सकता है कि ये दोबारा ये पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है और वहां से दोबारा नीचे आए ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है बट जब मैंने इसको फर्दर स्टडी करने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि गाय ये देखिए ये देख रहे हैं

इस वीडियो पे आप मुझे टारगेट या स्टॉप लॉस भी लिख कर दीजिए क्योंकि हम लोगों को कन्फ्यूजन होती है गाइस वो लोग जो हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आप लोग सिर्फ ट्रेड के पीछे हैं आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को टारगेट और स्टॉप लॉस मिल जाए और आप लोग ट्रेड ले लें चाहे वो आपके लेवल पे आ रहा है नहीं आ रहा है और आप लॉस करते हैं तो मुझे सुनाते हैं guys, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते तो मैंने अब क्या करा है मैंने बहुत लोगों की बात सुनी है तो मैंने क्या करा है अब मैं ये जो वीडियो सेशन लेकर आया सीरीज लेकर आया इसमें मैं आप लोगों को चार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा कि ये शेयर मैं क्यों देता हूँ और अगर वो उसका स्टॉप लॉस होता होता अगर वो रिवर्स भी होता, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एक परफेक्ट एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करी उसके बाद अगर हिट हो रहा है तो वो वो चांस ऐसे होते हैं कि वो हिट भी हो जाए बट जनरली जो भी मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेड दी है चाहे वो एच डी एफ सी एम सी हो गया चाहे वो मारुति हो गया चाहे वो मदर मदरसनसूमी हो गया चाहे वो इंडिको हो गया सबके टारगेट हिट हुए हैं गाइस इस तीन चार दिन के अंदर अंदर तो हमारी एनालिसिस नाइनटी टू नाइन नाइन परसेंट इफेक्टिव है अब गाइस कुछ परसेंट होती है कि हम लोग भी फेल होते हैं गाइस तो अब आपको वॉच करके चलना पड़ेगा नेक्स्ट आते हैं हैं गाइस लास्ट स्टॉक स्टॉक पे जो कि कि है गोदरेज गोदरेज सीपी यानी कंज्यूमर का सबसे पहले आप देख सकते यहाँ पर मैंने एक टॉप से लेके बॉटम तक एक फेबुनाची रिट्रेसमेंट बनाया हुआ है उस पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं सिक्स वन एट परसेंट रिप्रेसमेंट लेवल यहाँ पर हम जब भी देखते थे यहाँ पर सेलिंग आ जाती थी और जब भी सेलिंग आती थी वो दोबारा टू थर्टी एट परसेंट रिट्रेशमेंट लेवल पे एक दोबारा बाइंग आ जाती थी यानी कि यहाँ सेल आता था और एग्जैक्ट यहाँ से बाइंग आता था अब बीच में हर्डल होते थे जो कि पहला हर्डल ये आता था फिर ये आता था जैसे इस हर्डल को इसने ब्रेक करा तो ये ये अपने दोबारा वाले हर्डल तक पहुंच जाता था डायरेक्टली पहुंच जाता था और इसको ब्रेक करा तो दोबारा यहाँ पर दिखाता हूँ आप देखेगा यहाँ से ये यह नीचे गिरा ऊपर आया दोबारा सिक्स वन एट परसेंट रिट्रेशमेंट लेवल पर आया यहाँ पर आप लाइन देख रहे हैं नीचे आया ये अपने टू थर्टी सिक्स परसेंट रिट्रेशमेंट लेवल से ऊपर गया ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ब्रेक करा

एग्जैक्ट सेम प्रीवियस पैटर्न यहीं पर ही बन रहा है और बाई तो करने की सलाह दे दी है और बी टी एस टी भी हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं सो गाइस इसको भी आप कल ऑब्जर्व करके चल सकते हैं ये भी एक मेरे लिए बाय पोजिशन में है अभी भी और मुझे लगता है कि दोबारा अपने इस लेवल तक जा सकता है सो गाइस फॉलो करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड हो रही है वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत कुछ कंसेप्ट सिखाया जा रहा है और अगर आप लोगों को ये हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में तो मुझे जरूर बताइए इस वीडियो को गाइज हम लाइक like का एम करते हैं टू लाइक्स का एम करते हैं अगर आप लोग कर पाएंगे तो गाइज ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा वरना गाइज मेरे लिए कोई मोटिव नहीं है आप लोग मुझे मोटिवेशन नहीं देते हैं कि मैं इस वीडियो या इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँ So अप्रिशिएट करूंगा कि एक लाइक बटन तो आप जरूर दबा दीजिएगा और जैसे टू थाउजेंड लाइक रहेगी और, और लाऊंगा so इसी के साथ करता हूँ पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो पे अगर आप लोग गाइस मेरे लिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे 2000 लाइक्स लेकर आ सकते हैं